खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं ये रवैये की बात है आज हम पिछले दिनों सीख रहे थे मैंने बताया कि हम कुछ संडे इस टॉपिक को सीखेंगे क्योंकि आई रियली वॉन्ट यू टू मेच्योर इन हिम मेरी ये ख्वाहिश है और दुआ है कि हम चीज़ों इन चीज़ों पे ओवरकम आए क्योंकि मैंने लास्ट संडे भी बताया कि ये एक ऐसा फेवरेट सरमन है जिसको चंद सर में मुझे कहा जाए तो मैं ज़रूर इसके बारे में बयान करूंगा क्योंकि अगर रवैया ठीक नहीं है तो सारी मसीहत एक तरफ और आ, आ, बाकी चीजें एक तरफ इफ आवर एटीट्यूड इज नॉट राइट विद गॉड एंड विद अदर्स क्योंकि क्रॉस को अगर आप देखें तो क्रॉस के आपको नजर आएगा ऊपर से नीचे तक और फिर दोनों बाजू इसका मतलब है कि हमारा रिलेशनशिप खुदा और इंसान का होना चाहिए और फिर वही रिलेशनशिप हमारा दूसरों के साथ होना चाहिए वन एन अदर एक दूसरे के साथ एक बहन भाइयों के साथ दोस्तों के साथ अजीजों के साथ कलेसिया के साथ so cross represent the attitude के खुदा दुनिया से कितनी मोहब्बत करता है और वो ये चाहता है कि किस तरीके से हम उसकी मोहब्बत को अपनी जिंदगी से जाहिर करें दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट जहां पर हम आ, हम बड़े बड़े कई दफा हुक्मों की तामील करने के लिए तकमील करने के लिए we observe, minutely, हम बड़ा जी शुक्र है, मैं चोरी नहीं करता हम उस की मानंद बन जाते हैं जो यह कहता है शुक्र है मैं इस चोर की मानंद नहीं इस महसूल लेने वाले की मानंद नहीं मैं हफ्ते में दो दिन रोजे भी रखता हूं अपने पूरे माल पर यकी भी देता हूं उसका रवैया क्या था सेल्फ राइसनेस उसका रवैया क्या था डिसग्रेस अदर्स पीपल तो कई दफा हम अपनी जिंदगी में करते हैं। और जब डिसग्रेस करते हैं तो बाइबल में लिखा है कि वो फरिश्ते जो खुदावन ने हमारे ऊपर मुकर्र किए होते हैं खुदावन का मुंह देखते हैं कि ये बंदा ठीक नहीं कर रहा मुझे जरा बता मैं इसको मजा चखा सो वी शुड बी वेरी वेरी uh, हमें बहुत ज्यादा एहतियात करनी है कि हमारी जिंदगी में मसीही रवैया क्या है क्योंकि बाकी अगर मसीही रवैया नहीं है अगर हमारे पास बपतिस्मा लेने के पास तोबा करने के पास हमारा दिल नहीं बदला तो इसका मतलब तो देर इज समथिंग रॉन्ग हम पुरानी जिंदगी के अंदर हैं और आज जो हवाला आपके सामने पड़ा गया उसको हम देखते हैं चल आगे चल के आज थिंकिंग अबाउट क्रिस्चियन एटीट्यूड के मुतालिक लास्ट संडे हमने देखा कि सफरिंग में जब मसीही लोग दुख उठाते थे तो उनका रवैया क्या होता था हमने मैं थोड़ा सा कनेक्ट कर रहा हूं ताकि आप फिर से हमारे साथ जुड़ सकें जो आज फर्स्ट टाइम है कि सफरिंग में मसीही लोगों का रवैया क्या था उसमें हमने देखा मसीह का रवैया क्या था क्योंकि बाइबल में लिखा है वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह का भी है सो so, मिजाज हमारा मसीह से अगर नहीं मिल रहा इट कम इसका मतलब है मसीह हमारे अंदर नहीं है क्योंकि बाइबल में लिखा है गॉस्पल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 15 में कि जो कुछ हमारे अंदर है वो हमारी जुबान पर आता है कई दफा लोग कहते थे जी नहीं मुंह पैड़ा है दिलों बड़ा चंगा है सम पीपल से लाइक दिस पर बाइबल इसके अगेंस्ट बात करती है बाइबल कहती है जो अंदर है वो मुंह पे आता है हम ये नहीं कह सकते कि दिल बड़ा अच्छा है बस जुबान का सख्त है नहीं अगर अंदर नरमी है अंदर प्यार है अंदर शफकत है अंदर आपके लिए रहम है मुआफी है तो वही आपकी लबों पर भी आएगा क्योंकि आपके अल्फाज आपके अंदर की अक्का करते हैं रिप्रेजेंट क्या है अंदर अंदर क्या चल रहा है तो मैं जब देख रहा था क्रिश्चन एटीट्यूड के मुतालिक कि किस तरीके से जमा ने बताया कि यह भी एक रवैया है कि हम दुआ को छोड़ते नहीं हैं हम पॉजिटिव लेते हैं आप सोचें कितने लोग हैं जो नेगेटिव रवैये से प्रेयर करना छोड़ देते हैं वो कहते हैं जी खुदा सुन तो रहा नहीं और वो दुआ ही छोड़ देते हैं एक साल दो साल तीन साल पांच साल और फिर एक वक्त आता है दे डोंट प्रे जैसे वो पहले साल में करते थे लेकिन आपने देखा कि हमारा खुदा कादर मुतलिक है उसके साथ जुड़े रहने से आपकी जिंदगी में कभी भी मुआवजा हो सकता है बनी इसराइल चालीस साल देवर वर्किंग देवर वॉकिंग वो चलते रहे इब्राहिम पच्चीस साल दुआ करता रहा औलाद के लिए कितने लोग हैं इजहा बीस साल के बाद उसे औलाद मिली पर रवैया क्या था नो नेगेटिव एटीट्यूड नेगेटिव एटीट्यूड एक किलर है बैड एटीट्यूड हमारी ब्लेसिंग्स को खत्म कर देता है हमारी जिंदगी की सारी जो बर्खते हैं शैतान छीन ले जाता है नेगेटिव एटीट्यूड से बैड एटीट्यूड से जब बुरा रवैया हमारी जिंदगी में आता है आप शागिर्दों को देखें उन्होंने सफरिंग की कितने लोग थे जिन्होंने ग्रंबल किया नोट no! अगर आप पत्रस को देखें तो उन्होंने कहा मैं उल्टी स्लीप लूंगा चमड़ों में सिया गया कोड़ों से मारा गया खंजरों से मारा गया कैद में डाला गया बट वॉट वॉज देयर एटीट्यूड उनका मिजाज क्या था ग्रम्बलनेस का नो no. साधु सिंदर सिंह की आपने स्टोरी पढ़ी होगी और शायद बुक्स भी पढ़ी हो और शायद मूवी भी आपने देखी हो YouTube पर है आप जरूर उसको वॉच कीजिएगा इट्स अ वंडरफुल स्टोरी जब उसे एक कुएं में डाला गया तो वो सिर्फ वो गंदगी बदबूदार कुआ लेकिन वो सिर्फ खुदा की शुक्रगुजारी कर रहा था पॉल और सैलास की स्टोरी आपने अमाल की किताब में भी पढ़ी फिलिपियों की किताब में भी पढ़ी जब वो कैद में थे तो दे देवर डूइंग सिंगिंग एटीट्यूड था सफरिंग के अंदर फिलिपस जब पत्थरों से मारा जा रहा था जब उस पर पत्थर बरसाए जा रहे थे अमाल की किताब में आठवें बाब में जिक्र है पढ़ लीजिएगा जब उसको मारा जा रहा था तो बाइबल क्या बताती है वो क्या कहता है ऐ बाप इनको मुआफ कर क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या रवैया क्या था मुआफी का मिजाज कौन सा था यस्सु का क्योंकि यस्सु ने सिखाया और वही चीज जिंदगी में आया प्रॉब्लम क्या है आज बहुत सारे लोग मसीह को तो कबूल कर लेते हैं दे आर आफ्टर होली स्पिरिट मिल जाए वो प्रीचर एक नहीं दस नहीं पता नहीं कितने प्रीचर्स के पास जाते रहते हैं हर एक को कहते हैं मेरे ऊपर हाथ रखो हर एक के कई दफा जाके सोचते हैं कि मेरी जिंदगी बदल जाए आपकी जिंदगी उस वक्त तक नहीं बदलेगी जब तक आप नहीं बदलेंगे इफ यू आर रेडी टू चेंज योर सेल्फ खुदा आपको बदल सकता है अभी और इसी वक्त इंस्टेंट मेक योर सेल्फ अवेलेबल टू गॉड के खुदावन मेरा रवैया बहुत बुरा है खुदावन जब ऐसे लोगों को खुदावन को अच्छा लगता है कि ऐसे लोग आए जो सख्त हैं क्योंकि खुदावन उन्हें बदलने पर कुदरत रखता है मैं बाइबल मुकदस में से देख रहा था कि नेगेटिव एटीट्यूड कई दफा हमारी जिंदगियों में कितनी ज्यादा हमें बरकतों से दूर रखता है जो पहली चीज मैं आपको बता रहा हूं आज ये याद रखें योर एटीट्यूड रिवील हु यू आर आपका मिजाज आपका रवैया बताता है आप असल में कौन हैं आपके काम पर आपके घर में मियाँ बीवी को एक दूसरे को जब आप बाइबल पढ़ रहे हैं वो नहीं आपकी असल पिक्चर क्या है आपकी पर्सनैलिटी आपके अल्फाश जब सफरिंग होती है तो उसके मुंह से क्या निकलता है मैंने पिछली दफा एक, 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 एक मिसाल के जरिए से भी समझाया कि अगर हमारे अंदर खुदा का कलाम बसा है तो लोग खंजर मारेंगे तो कलाम ही बहेगा उसमें से यू विल ब्लीड वर्ड ऑफ गॉड आपके रवैये में तलखी नहीं आएगी क्योंकि आपके अंदर आपकी नस नस में कलाम बसा हुआ है और फिलिपस की जिंदगी में कलाम बसा हुआ था वरना पत्थर मारने से लोग रोते हैं चिल्लाते हैं दुआ नहीं देते इवन मैंने भाई बहुत सारे लोगों को यह सुना यार मैनु जरा मैं दसा मसला आई हैव सीन मैं मसीह ना, ना हों ते मैं तेन मजा चाह नो क्रिश्चन एटीट्यूड इज नॉट लाइक दैट डिफरेंट वेन समबडी प्रोसिक्यूट यू यू बिलीड वर्ड ऑफ गाड आपकी जिंदगी से कलाम का लहू बहता है सो योर एटीट्यूड इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनी थिंग एल्स आप चाहे गैर जबानों में दुआ कर लें चाहे आपको मेरिकल पावर मिल जाए रवैये गलत है तो कुछ भी नहीं है हमारी जिंदगी में बदबू है और वो रवैये की है कि मिजाज ठीक नहीं है आपको मैं बताऊं एक बदमिजाज शख्स अगर आपकी महफिल में कोई आकर बैठ जाए सारे लोग खामोश हो जाएंगे पर एक अच्छे मिजाज वाला शख्स आपकी महफिल में आके बैठे घर में बैठे सारे लाफ करेंगे कहेंगे कि यार ये अच्छा शख्स है लेकिन थोड़ा सा मिजाज कड़वे मिजाज वाला शख्स आकर बैठे आप सारे एकदम से हो जाएंगे यार कोई ना मुंह कर बाइबल क्या बताती है एटीट्यूड के मतलब चंद एक मिसाले में देख रहा था मैंने एक आर्टिकल पढ़ा उसमें बताया कि एक बाद मिजाज ग्रैंड फादर था हर वक्त झिड़कें देनी हर वक्त गुस्सा करना तो बच्चे ने अपने ग्रैंड फादर की मूछ पे चीज को लगा दिया जिसमें से जरा बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की स्मेल आती है तो सोया हुआ था यहां पे लगा दिया तो जब वो उठा तो उसने कहना दिस रूम इज स्टिंकी तो वो रूम से बाहर गया उसने कहा ये कमरा भी स्टिंकी है क्या चीज जल रही है फिर वो बाहर गया वहां पर भी उसे बदबू आई उसने कहा बैकयार्ड भी में से भी बदबू आ रही है और उसे ये नहीं पता था कि प्रॉब्लम उसकी नोज के नीचे है प्रॉब्लम कहां पर है ही टू क्लीन ंग जो उसके बच्चे ने लगाई और वो उसको ये टीच करना चाहते थे प्रॉब्लम इज नॉट एनी वेयर इन दिस रूम और अदर्स प्रॉब्लम इज यू कई दफा प्रॉब्लम हमारे अंदर होती है हमारे रवैयों में होती है और हम दूसरों को ठीक करना चाहते हैं वो ठीक होएगा तो फिर हो आगे पर हम अपनी प्रॉब्लम को नहीं देखते कि हमारी नोस के नीचे ही तो वो बदबू की वो चीज़ लगी हुई है उसको निकालें मैं बाइबल में से देख रहा था नेगेटिव एटीट्यूड के हवाले से जेनेसिस चैप्टर फोर वर्स थ्री में दो भाइयों का जिक्र है बाद में स्टोरी को पढ़ लीजिएगा दो भाई पहले भाई काइन और हाबिल आपको पता है खुदावन ने दोनों को यह कहा कि कुर्बानी लेकर आओ और दोनों ही कुर्बानी लाए अब मूवी में दिखाते हैं कि गले सड़े फल ले आए ऐसा कुछ नहीं है वो भी चूंकि वो किसान था वो फल लेकर आया लेकिन हाबल के बारे में लिखा है कि वो बर्रे की कुर्बानी लाया एक यक्षाला बाइबल में लिखा है आप देख लीजिए इसको चंद रोज के बाद यूं हुआ कि कायन अपने खेत के फल का हदिया खुदावन के लिए वास्ते लाया और हाबल भी अपनी भेड़ बकरियों के कुछ पैलौठे बच्चों का कुछ उनकी चर्बी का हदिया लाया और खुदावन ने हाबल के और उसके हदिये को मंजूर किया पर कायन के और उसके हदिये को मंजूर ना किया एटीट्यूड ऑफ सेक्रीफाइस जब हम हदीये नजराने खुदाम की हजूरी में लाते हैं हमारा रवैया क्या है उस वक्त कुर्बानी किस चीज की ही जाती थी ब्लड कुर्बानी ब्लड की थी और बाटल सिस्टम आप समझते हैं लेकिन कायन चुके उसका रवैया ठीक नहीं था वो बड़ा था वो ये सोचता है कि नो आई कैन नॉट ट्रेड कि मैं जो मेरे पास है मैं वही लेके जाऊंगा खुदा के पास खुदा ही कबूल करे मैं क्यों उससे भेड़ बकरियां लूं और वो चढ़ाऊं तू इसी को कबूल कर ही वॉज नॉट है उसने बेस्ट फ्रूट खुदावंत को दिया हो लेकिन जो कुर्बानी खुदा ने मांगी वो उसने नहीं दी तो मैं जब इसके बारे में देख रहा था एक हदिया मंजूर दूसरे का नहीं और उसकी वजह क्या थी एक का रवैया बहुत अच्छा था यू नो द मिजाज द एटीट्यूड वॉज राइट टू प्रेजेंट सेक्रीफाइस और वो क्या वहां पर क्या लिखा है बाइबल में लिखा है पर कायन को तो उसके हदिये को मंजूर ना किया का गजबनाक हुआ और उसका मुंह बिगड़ा कई दफा ऐसा होता है हम हसद करते हैं उन लोगों से जो खुदावंद की निगाह में फेवरेट हो जाता को खुदा बरकत देता है जिनकी कुर्बानियां खुदा कबूल करता है हम उसे जलना शुरू कर देते हैं अंदर ही अंदर बर्निंग होनी शुरू हो जाती है फिर टर्म्स करते रहते हैं सो so, क्योंकि रवैया ठीक नहीं है रवैया मसीही जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट की है दो कुर्बानियां एक एक्सेप्टेड हुई दूसरी नहीं और खुदावन ने उसको जवाब दिया फिर आप देखिए हुआ क्या जब हमारी कुर्बानी कबूल नहीं होती तो बाइबल में लिखा है खुदावा ने काइन से कहा तू तो क्यों गजबनाक हुआ तेरा मुंह क्यों बिगड़ा हुआ है अगर तू भला करे तो क्या मकबूल ना होगा अगर तेरा मिजाज तेरा एटीट्यूड अगर तू ठीक तरह से चले तो क्या तू खुदा के हजूरी में मकबूल ना होगा और अगर भला ना करे तो गुना दरवाजे पर दुबका बैठा है तेरा मुश्ताक है तू उस पर गालिबा खुदाउन उसे सिखा रहे हैं लेकिन फिर भी वो नहीं समझ रहा बैड एटीट्यूड दिल में रिजेंटमेंट भरी हुई कैसे हो सकता है मैं बड़ा हूं मेरी कुर्बानी नहीं है। पत्थर लेकर इस देखे खुदा के समझाने के बावजूद ही कुछ सॉरी गॉड ही कुछ फॉरगेव मी मैं हथियार ठीक नीयत से लाऊंगा लेकिन इंस्टेड ऑफ डूइंग वो क्या करता है पत्थर लेकर ऐसा वार करता है अपने भाई पर कि उसे मार डाल बैड एटीट्यूड नेगेटिव एटीट्यूड की एग्जाम्पल है बहुत बड़ी पैदाइश की किताब में खुदा ने मौका दिया लेकिन उसने उसको ना सुना मैं जब एक और देख रहा था एरन बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर ट्वेल्व वर्स टू अलेवन एक और मिसाल है आप इसको पढ़िएगा डिटेल में स्टोरी आप देख सकते हैं जब मूसा ने एक औरत से शादी की कुशी औरत का जिक्र है दो लोग उसके खिलाफ हो गए एक एक था एरन और एक थी उसकी बहन मरियम और बाइबल यह बताती है कि वो उसके खूब खिलाफ बोले मैं कभी कभी सोचता हूं कि ये कैसा किस तरह के बहन भाई थे कि जिन्होंने मूसा को देखा कि मूसा के कहने पे खुदा कैसे कैसे मुआवजे करता है लेकिन हमारा बुरा रवैया कई दफा हमें एक दूसरे के खिलाफ इतना ज्यादा कर देता है कि हम रिश्तों का ख्याल भी नहीं करते कि रिलेशनशिप क्या है मरियम मूसा की बहन थी एरन मूसा का भाई था और खुदावंद उनको इस्तेमाल कर रहा था खुदावंद ने उनके खानदान को खिदमत में लिया पहला काइन सरदार काइन, एरन लेकिन हम देखते हैं कि मरियम को गुस्सा चढ़ा वर्ष टू में यहां पर लिखा है कि उसे बहुत बुरा लगा और इसने क्यों किया और बाइबल यह बताती है कि उसने बहुत सारे लोगों से बुरी बातें कहनी शुरू कर दी और उसने क्या कहा मैं इसमें से चांद एक आयते पढ़ूंगा बाइबल लिखा है और मूसा ने एक कुशी औरत से ब्याह कर लिया सो उस कुशी औरत के सबब से जिसे मूसा ने ब्याह किया था मरियम और हारून उसकी बदगोई करने लगे क्या करने लगे बुरी बातें वो कहने लगे सुनिए वो क्या कहते हैं क्या खुदावन ने फक्त मूसा ही से बातें की क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की और खुदावन ने सुना कई दफा हम अपने आप को उस जगह पर ले लेते हैं जहां पर खुदा ने आपको नहीं रखा होता एटीट्यूड गल नहीं जी मूसा मेरे नाम गलत मैं भी मूसा ही हूं हारून ने कहा मैं भी वैसे ही मरियम ने कहा हसद ही घर के अंदर ही हसद पैदा हुआ और बाइबल क्या बताती है खुदावन ने उसे क्या कहा लिखा है कि खुदावन ने उसको डांटा लिखा है क्या उसने हमसे बातें नहीं खुदा ने ये सुना और मूसा तो रोए ज़मीन के सब आदमियों से ज्यादा हलीम था सो खुदावन ने नागहा मूसा और हारून और मरियम से कहा तुम तीनों निकल कर खैमा अज्तम के पास हाजिर हो सो वो तीनों वहां आए और खुदावन के खुदावन अब्र के सतून में होकर उतरा और खैमा के दरवाजे पर खड़ा होकर हारून और मरियम को बुलाया सोचें जरा पिक्चराइज करें इस बात को कौन बुला रहा है खुदावंद किसके लिए बुला रहा है किसके लिए बुला रहा है के लिए कि वो खुदा का दफा भी अपने मुंह से ऐसी बातें कहते रहते हैं पर खुदा अपने लोगों की हैरत रखता है बाइबल क्या कहती है और बस दोनों गए और उसने कहा मेरी बातें सुनो और फिर उनको डांटा और आपको पता है कि मरियम को कोड़ हो गया और फिर मूसा ही जाके शिफायत करता है और कहता है कि नहीं उसको शिफा दे एटीट्यूड की एग्जाम्पल है।, है जब हम किसी को होता हुआ देखते हैं, होता हुआ देखते हैं, उसको बढ़ता हुआ देखते हैं कई दफा खानदानों में कलीसिया में बिजनेस में किसी बैड एटीट्यूड आ जाता है हम एकदम से नफरत करके बुरी बातें उसके खिलाफ कहना शुरू यहां पर बदगोई का वर्ड बदगोई करने में बड़ा मजा आता है कई बड़े वो लिखे बदगोई ऐप जो है कि निवाले बड़े लजीज होते हैं जब ये शुरू होते हैं ना फोन पर या दोस्तों में तो चार-चार पांच-पांच घंटे भी गुजर जाते हैं लोगों को नहीं पता लगता कलाम आधे घंटे का भी मुश्किल लगता है और ऐप जोई के निवाले बहुत लजीज होते हैं सुनने में अच्छे लगते हैं बाइबल क्या कहती है एक और एग्जांपल के बैड एटीट्यूड की मरियम और एरन रहे पर खुदावन ने बाइबल में लिखा है कि खुदावन ने उनको डांटा और उनको समझाया चार बातें मैं देख रहा था बैड एटीट्यूड डिस्ट्रॉयज योर कैरियर अगर आप काम पर हैं और आपका रवैया अच्छा नहीं है मैनेजर जल्द फर्क कर देगा आपको यू आर नॉट देयर आपका रवैया आप मैनेजर के लिए इधर उधर बातें करते हैं आप अपने ऑफिसर्स के लिए इधर उधर बातें करते हैं आप कहते हैं कि ये तो अच्छा नहीं है आप सोचते हैं जो वर्कर्स हैं वो आपके दोस्त हैं नो no! आपकी स्मेल आपके बॉस तक पहुंचेगी और आपका करियर तबाह हो जाएगा सो बैड एटीट्यूड बुरा रवैया आपका करियर तबाह कर सकता है सो ऑलवेज रिमेंबर फिर बैड एटीट्यूड आपकी मैरिजेस को तबाह कर सकता है मैंने कई दफा देखा है मियाँ बीवी एक दूसरे के खिलाफ होते हैं और अपने दोस्तों से बातें करते रहते हैं यार मेरी बीवी ने यह किया मेरे बंदे ने यह किया तो दोनों एक कोल्ड वॉर चलती रहती है घर के अंदर आपस में बात नहीं करनी कि मुझे आपसे ये प्रॉब्लम है दिस शुड बी आयरन नो वो एक दूसरे से बात करते हैं रिश्तेदारों से बात करते हैं दोस्तों से बात करते हैं मिजाज में तलखी है और मैरिजेस तबाह हो जाती हैं छोटी सी छोटी बात बैड फिर लिखा है मैं इसको स्टडी कर रहा था कि बैड एटीट्यूड बच्चों को तबाह कर देता है कई लोग कई बच्चे अपने माँ बाप के पास नहीं जाते क्योंकि उनका रवैया बहुत बुरा होता है उनके साथ कोई नुकसान हो जाए तो उन्हें पता है कि मां बाप ने बहुत डांट बुरा रवैया आपके बच्चों को आपसे दूर कर देगा इसलिए अपने रवैये को ऑल्टर करें वो चीजें जो गंदगी की हैं उनको निकालें फिर बैड एटीट्यूड चर्चिस को तबाह कर देता है बुरा रवैया हम अपने आप को सुपर राइचस समझना शुरू कर दें और दूसरे को डिसग्रेस करें कि नहीं जी ये तो गुनहगार है दैट्स दैट्स नॉट गुड सबने गुनाह किया और खुदा के जलाल से हमारे ऊपर सिर्फ फेवर हुई है कि हम यहां पर uh, बैठे हैं सो so, बुरा रवैया जो है वो हमें तबाह कर देता है आपको पता है नंबर्स चैप्टर थर्टीन इसके फौरन बाद ही एक और बुरे रवैये की मिसाल हमें मिलती है अगर आप नम गिनती की किताब में पढ़ें तो वहां पर लिखा है मूसा बारह जासूसों को भेजता है और जो दस जासूस होते हैं वो नेगेटिव एटीट्यूड के साथ आते हैं नेगेटिव एटीट्यूड के साथ स्टोरी पढ़ लीजिएगा बाद में लेकिन दो जो पॉजिटिव थे वो कौन थे जोशवा और केलब वो आते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ और जो बैड एटीट्यूड का नुकसान देखें दस लोग स्टोरी बताते हैं मुल्के कनान की तो लोग रोना शुरू कर देते हैं बुरी बातें मायूसी को पैदा करती हैं, रुला देती हैं लोगों को लेकिन दो लोग कहते हैं नहीं नहीं वो मुल्क बड़ा अच्छा है वहां के अंगूर ऐसे हैं वहां के ताकिस्तान ऐसे हैं आओ हमारे साथ खुदा है आओ उस पर कब्जा करें पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत सारे लोग हैं जो स्टडी शुरू करते हैं वो कहते हैं जी एडी एडिया मोटिया किताबां असी नहीं पढ़ सकते साल बहुत ज्यादा हैं आई कैन नॉट बी दैट आई कैन नॉट स्टडी बैड एटीट्यूड लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं किताबें जितनी मर्जी मोटी हों साल जितने मर्जी ज्यादा हो मेरा खुदा मेरी कामयाबी है वो मुझे कामयाबी देगा वो मुझे सर राइट right एटीट्यूड मैं बाइबल में से देख रहा था कि कितने लोग हैं नेगेटिव एटीट्यूड की वजह से खत्म हो गए और जब नेगेटिव एटीट्यूड आता है तो एक चीज याद रखें आपकी जिंदगी में आइसोलेशन आएगी याद रखें कि लोग आपको अकेला छोड़ देंगे आपकी जिंदगी में डिप्रेशन आएगा आपकी जिंदगी में ड्रग्स आएंगी आपकी जिंदगी दूसरों से दूर होती चली जाएगी इसीलिए अपने रवैये को दुरुस्त करें अगर आप मसीही जिंदगी गुजारना चाहते हैं आप कोई नहीं आपकी जिंदगी को बता सकता हाउ डीप यू आर इन क्राइस्ट आपका रवैया आप लोगों को बताएगा हाउ मच रूटेड यू आर इन क्राइस्ट कितने गहरे हैं आप आपकी जुबान आपकी एक्शन आपकी डीलिंग आपकी मनी मैटर बताएंगे कि आप खुदा को कितना प्यार करते हैं। आप अपनी बीवी से प्यार करते हैं बच्चों से प्यार करते हैं घर का रेंट देते हैं आप सारे काम उनके लिए करते हैं अगर आप खुदा से प्यार करते हैं तो आपकी गिविंग बताएगी कि आपका मिजाज खुदा के लिए कितना को है कि खुदा से तो हम इतना मांगते हैं पर जब खुदा को देना है तो क्या हमारा रवैया है वो भी पॉजिटिव है या नहीं या नेगेटिव है बाइबल ये बताती है कि स्टार्ट स्पीकिंग पॉजिटिव वर्ड्स कई दफा मैं हमेशा अपने बच्चों को भी कहता हूं बेटा अपने लिए पॉजिटिव वर्ड बोला करो हमेशा नेगेटिविटी को छोड़ दो ऑलवेज से खुदा ने आपको ब्लेस्ड बनाया है आप मसीही घरानों में पैदा हुए हैं कलाम की पहचान दी है कमजोरियां खुद ब खुद ठीक होती चली जाएगी यू आर ब्लेस्ड यू आर जैसे खुदावन ने मरियम को कहा यू आर हाईली फेवरेट मैं फेवरेट हूं खुदा का इसलिए खुदा ने मुझे बरकत दी है और अगर आप अपने रवैये को चेंज करना चाहते हैं तो आपको अपने घर की डेकोरेशन जो आपके अंदर की है दिल की वो चेंज करना पड़ेगी और वो सबसे पहले क्या है गुस्से को खत्म करना पड़ेगा आपको गुस्सा कभी आपके मिजाज को दुरुस्त नहीं होने देगा गुस्सा बाइबल में लिखा है गुस्सा तो करो पर गुना गुस्सा तबाही फैलाता है बाइबल में लिखा है जो गुस्से पर काबू करता है वो पहलवान से बेहतर है वो ताकतवर है और जो गुस्से पर काबू कर लेते हैं वो बड़े जोरावर लोग हैं। खुदा ने दाऊद को चुना था पर क्योंकि वो गुस्से को काबू में रखता है आपको पता है कि वो पहलवान उसे कितना गुस्सा दिलाता है वो तुझको भेज दिया ये कुत्ते की मानंद है मैं अभी तेरी बोटियां Uh, चीर फाड़ के ओकाब uh, को बास को खिलाऊंगा तो वो कहता है चुप रहता है उसको गाली नहीं देता है उसको कहता है आज मेरा खुदा तुझे तू तो भाला और बर्छी लिए मेरे पास आया है मैं जिंदा खुदा के नाम से आया दैट वॉज हिज आंसर जो खुदा के लोग हैं लोग उन्हें जितना मर्जी इग्नाइट करें जितना मर्जी प्रेस करें जितना मर्जी उन्हें गाली दें उनकी जिंदगी से खुदा का नाम निकलेगा दाऊद क्या कहता है आज तेरे सर को मैं तेरी तलवार से जुदा कर दूंगा क्योंकि खुदा मेरे साथ है रिप्लेस एंगर विद लव प्यार मोहब्बत से बात करें बच्चों के साथ दोस्तों के साथ हर वक्त उन्हें डांट देना रहो यह भी बुरी बात होती है बाइबल में लिखा है कि जवान बच्चों को दिख ना करो अगर कई दफा हम सोचते हैं कहते हैं पर हमें उनको दिख नहीं करना उनके उनके उनकी जो रिस्पेक्ट है उसको कायम रखना है उस लेवल पर रखना है और उनसे बात करनी है दे आर एडल्ट। आप उनसे बात करें उनको समझाएं उनको गाली ना दें उन पर हाथ ना उठाएं हाँ तरबियत के लिए छड़ी का वर्ड यूज किया गया है पर वो एक वक्त है और जब वो जवान हो जाते हैं उस वक्त उनको लफ्जों से प्यार से मोहब्बत से समझाएं रिप्लेस फियर विद फेथ कंप्लेनिंग विद ग्रेटिट्यूड अगर आप अपने रवैये को ठीक करना चाहते हैं और अगर आप चाहते हैं आपकी जिंदगी में बरकत आए तो मैं चाहता हूं कि आपकी जिंदगी के अंदर पॉल जैसा रवैया आए और पॉल क्या कहता है मेरे साथ बाइबल मुकदस में देखें फिलिपियों की किताब उसका तीसरा वाग ट्वेल्थ से पढ़ देता हूं गर्ज यह नहीं कि मैं पा चुका या कामिल हो चुका हूं बल्कि उस चीज के पकड़ने के लिए दौड़ा हुआ जाता हूं सो पॉल का रवैया क्या था एटीट्यूड ऑफ ह्यूमिलिटी खाकसारी का पॉल के मुतालिक कभी आपने स्टडी की हो बाइबल में से नए अहदनामे में से 27 किताबों में 13 खतूत उसने लिखे हैं इमेजिन सबसे ज्यादा लिखने वाला वो कितना प्राउड फील कर सकता है अपने आप को सबसे ज्यादा लैंग्वेज उसको आती थी सबसे ज्यादा सफर उसने किया चर्चेज उसने प्लांट किए शागिर्द उसने बनाए वो कितना ज्यादा अपनी अपनी ताकत पर फख्र कर सकता है पर मैं उसकी ह्यूमिलिटी को देख रहा था एन एटीट्यूड ऑफ ह्यूमिलिटी कि उसका एटीट्यूड क्या है उस शख्स के लिए जिसके पास बहुत कुछ है जिसको खुदा रूबरू नजर आया जिसको पाक रू लिखवाता है वो अपने मौजज़े नहीं गिनाता कई दफा प्रीचर्स बहुत सारी चीजों को अपने आप को बयान करते हैं लेकिन पॉल हमेशा खुदा उनकी बात करता है और बाइबल कब एक जगह पे तो कहता है मुझकम वक्त को निकम्मे को एक जग़ा, एक जगह पे लिखा है मेरे मुंह से वो वर्ड नहीं लिख रहा बाइबल में लिखा है इसलिए कहते लिखा है हमकमीनों को ये वर्ड लिखा हुआ है बेवजूद को खुदा ने चुन लिया ताकि वजूद वालों को शर्मिंदा करे बाइबल ये बताती है एन एटीट्यूड ऑफ ह्यूमिलिटी कैसे बाइबल में ह्यूमिलिटी जिसके पास है ना उसके पास सबसे बड़ी डिग्री है बाइबल की आप चाहे पीएचडी करके आ जाए कुछ भी करें पर अगर आपके पास हम्बलनेस नहीं है आपका रवैया ठीक नहीं है कुछ भी नहीं है खुदा खाक सारों को पसंद करता है फिरोतन दिलों के नजदीक है जो हम्बल लोग हैं उनकी दुआ एकदम से उस तक पहुंच जाती है एजुकेटेड बहुत अच्छी बात है होना बड़ी अच्छी बात है आपके पास बहुत पर अगर खाक सारी नहीं है ना तो कुछ भी नहीं है कई दफा हम यहां से मार खा जाते हैं प्रोबॉफ चैप्टर एटीन वर्ष ट्वेल्व में लिखा है आदमी के दिल का तकबर हलाकत का पेश रो है और फिरोतनी इज्जत की पेशवा है जो खाकसार है प्रोब चैप्टर एटीन वर्स ट्वेल्व पढ़ लीजिएगा ह्यूमिलिटी इज एटीट्यूड यह खाकसारी एक रवैया है आप देखिए खाकसारी कैसे इस आयत में नजर आती है गौर कीजिएगा जो भी मैंने आपको पढ़ी आप सोचते होंगे यहां पर एटीट्यूड का वर्ड नहीं आया यहां पे लिखा है गर्ज ये नहीं मैं पा चुका ये हम्बलनेस नहीं है कि सब कुछ होते हुए वो कह रहा है मुझे कुछ नहीं मिला खाकसार वरना हम तो थोड़े लोगों के पास बैठते हैं तो हम तो पता नहीं क्या क्या कि अपने खानदानों के किस्से अपने किस्से अपनी जोर अपनी ताकत अपनी बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं है है एम पॉल क्या कहता है? कहता है, गर्ज ये नहीं मैं पा चुका और कामिल हो चुका हूं वो अभी तक अपने आप को कामिल ही नहीं समझता जिसने कलीसियां बनाई जिसने खत लिखे जिसने खुदावन को रूबरू देखा जिसने मोजाब किए कहते हैं तो ये हम ये रवैया किस में आता है जो हम्बल लोग हैं जो खाकसार लोग हैं वो कामिल होकर भी अपने आप को समझते हैं मैं कुछ भी नहीं हूं आई एम नथिंग विदाउट क्राइस्ट वो ढंडोरा नहीं पीटते मैं जब इसकी जिंदगी में देख रहा था तो इसीलिए मैंने इसे इस आयत को चुना क्योंकि इसकी जिंदगी में मुझे इस आयत में हम्बलनेस नजर आई ऐसा मिजाज नजर आया जो मसीह का था ऐसा नहीं कि मैं पा चुका हूं मुझे अभी कुछ नहीं मिला डॉक्टर बिलीग्रह से किसी ने पूछा एनदर हंड्रेड इयर्स इफ गॉड गिव्स यू व्हाट यू विल डू ही सेड आई स्टिल वांट टू नो मोर अबाउट क्राइस्ट बिकॉज आई डोंट नो मोर अबाउट हिम मैं बाइबल पढ़ूंगा ताकि मैं क्राइस्ट को जान सकूं क्योंकि हिकमत और मार्फत के खजाने उसमें पोचिदा हैं अभी तक मुझे समझ ही नहीं आई और कॉल भी यही कहता है मुझे उसकी समझ नहीं आई जो कुछ है अभी तक नहीं समझ आई ये रवैया क्या मसीहों के पास यह रवैया है आज तो कई दफा थोड़ी सी आयते आ जाए तो लोग प्रीचर बन जाते हैं और जी मैं भी गजे प्रीचर तो चलो थोड़ी बात प्रॉफिट बन जाते हैं फिर रसूल बन जाते हैं फिर किसी और शख्स को कुछ नहीं समझते एन एटीट्यूड ऑफ ह्यूमिलिटी लर्निंग एटीट्यूड ऐसा नहीं मैं पा चुका हूं अभी तो बहुत कुछ पाना है अभी तो बहुत कुछ मिलना है मैं जब इसको देख रहा था तो वो बार बार कहता है इस आयत में चल के कहता है ए भाइयो उस चीज को पकड़ने के लिए दौड़ा हुआ जाता हूं मरने के करीब है और अभी भी कह रहा है कुछ नहीं मिला फिर कह रहा है जिसके लिए मसीह ने मुझे पकड़ा था ए भाइयो मेरा यह गुमान नहीं कि पकड़ चुका कितनी दफा कहता है ना कामिल हूं ना पा चुका हूं दौड़ा हुआ जाता हूं नाउ I mean, जो चीज मैंने शुरू की थी अभी तक मेरे हाथ में नहीं आई एटीट्यूड मैं uh, एक आर्टिकल पढ़ रहा था तो उसमें जहाज के लिए बताया जा रहा था जहाज के अंदर एक आला होता है जिसे एटीट्यूड कहा जाता है एटीट्यूड एक एल्टीट्यूड है जहाज की किस तरफ है? अगर वो स्ट्रेट जा रहा है तो वो बताता है कि उसकी नोज स्ट्रेट है अगर वो डाउन जा रहा है तो एटीट्यूड बताता है कि वो डाउन है वो समंदर की तरफ जा रहा है और अगर वो ऊपर की तरफ जा रहा है तो वो जो आला सा होता है वो निशान वो एटीट्यूड को जाहिर करता है कि इस टाइम उसकी नोज आसमान की तरफ है वो ऊपर की तरफ जा रहा है तो हमारा एटीट्यूड हमें बताता है हम गिर रहे हैं या ऊंचाइयों पर जा रहे हैं हमारा एटीट्यूड रिवील करता है और पॉल का एटीट्यूड रिवील करता है कि वो कितना खाकसार था मैं जब इसके मुतालिक पढ़ रहा था अगर आपको मौका मिले तो घर जाके जरूर देखिएगा इस साहित्य को मैं पढ़ देता हूं चैप्टर अलेवन वर्स ट्वेंटी टू से बाइबल में लिखा है क्या वही इब्रानी है मैं भी हूं क्या वही इसराइली है मैं भी हूं क्या वही इब्राहम की नस्ल से है मैं भी हूं क्या वही मसीह खादम है मैं ज्यादा तर हूं मेहनतों में ज्यादा कैद में ज्यादा कोड़े खाने में हद से ज्यादा बार बार मौत के खतरों में रहा मैं यहूदियों से पांच बार एक कम चालीस कोड़े खाए तीन बार बैंत लगे एक बार संसार किया गया तीन मरतबा जहाज टूटने की बला में पड़ा एक रात दिन समंदर में काटा मैं बार मैं बारहा सफर में दरियाओं के खतरों में डाकुओं के खतरों में अपनी कौम के खतरों में गैर कौमों के खतरों में शहर के खतरों में ब्याहबानों के खतरों में समंदर के खतरों में झूठे बाइयों के खतरों में मेहनत और मुशक्क़्क़्क़्कत बारहा बेदारी की हालत में भूख और प्यास की मुसीबत में बारहा फाका कशी में सर्दी और नंगेपन की हालत में रहा हूं और इन बातों के अलावा जिनका मैं जिक्र नहीं करता सब कलिसियाओं की फिक्र मुझे आ दबाती है किसकी कमजोरी में कमजोर नहीं होता किसके ठोकर खाने से मेरा दिल नहीं दुखता अगर फखर करना ही जरूर तो उन बातों पर फखर करूंगा जो मेरी कमजोरी से मुतल है इतने कभी आपको दुख मिले जितने उसने बयान किए कभी आपने इतने कोड़े खाए कभी आप इन दुखों में से गुजरे पर इतने प्रॉब्लम्स के साथ कहता है फिर भी मैं अपनी कमजोरी पर पकड़ करता हूँ ये नहीं मुझे मिल गया ये नहीं मैं पा चुका हम्बलनेस ह्यूमिलिटी अभी तक मैं जानना चाहता हूं बहुत सारे लोग हैं जो हम्बल नहीं हैं और खुदावन को हम्बल लोग पसंद हैं ह्यूमिलिटी खुदावन को पसंद है वो क्यों पसंद है क्योंकि ये खुदावन का करैक्टर है आखिरी बात है फिर हम दुआ करेंगे ह्यूमिलिटी खुदा का करैक्टर है एन एटीट्यूड ऑफ ह्यूमिलिटी इट्स अ गॉड्स करैक्टर, बाइबल में लिखा है फिलिपींस चैप्टर टू में कि वो जो खुदा की सूरत पर था उसने खुदा को अपने कब्जे में रखने की चीज ना समझा बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और इंसान के मुशाबा बना तो आप गौर कीजिए ह्यूमिलिटी ये किसका करैक्टर है खुदा का और खुदा हम्बल वो करेक्टर जब लोगों में पैदा होता है तो खुदा उसको पसंद करता है कि ये भी हम्बल है इनके अंदर भी मेरा मिजाज आ गया ये भी प्यार करने वाला मिजाज है वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह का है मसीह का मिजाज क्या था वो प्यार करता था मसीह का मिजाज क्या था वो केयर करता था भूखों को खाना खिलाता था मसीह का मिजाज क्या था कि किसी दुखी को देखता था उसके दुख, दुख दूर कर देता था किसी जरूरतमंद को देखता था उसकी जरूरत पूरी करता था ये मसीह का मिजाज था ये उसका एटीट्यूड था ही वाज ऑलवेज रेडी टू फुलफिल द ग्रेट कमीशन जो कुछ खुदावत ने उसे दिया था वो उसको पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा था सुबह को भी कयाम रात दुआ में गुजार दी दिन को मुआवजे किए कभी शाम को कभी रात को मुआवजे हो रहे हैं और खुदा ने कहा है मसीह की जिंदगी में जब हम देखते हैं तो उसने कहा बाप ने मुझे यह हुक्म दिया मैं उसके कामों को करता हूं दैट वॉज द एटीट्यूड फुलफिलिंग हिज ग्रेट कमिशन बाइबल में लिखा है साम चैप्टर वन वन थ्री हमारे खुदा की मानद कौन है जो आलम बाला पर तख्त नशीन है जो फिरोतनी से आसमान और जमीन पर नजर करता है कैसे नजर करता है फिर से बोलें कैसे सारे बोले यार कैसे फिरोतनी से ह्यूमिलिटी से खाक सारी से अगर वो गुस्से से नजर करें तो दुनिया कायम नहीं रह सकती वो फिरोतनी से जमीन को देखता है हम कैसे नजर करते हैं इफ वी से वी अ राइट एटीट्यूड गुस्से से और आगे क्या लिखा है वो मस्किन को खाक से और मोहताज को मजबला से उठा लेता है एन यू इमेजिन दैट खाक सारों को कहाँ से उठा लेता है ऐसे उठा लेता है गंदगी में भी पड़े होते हैं खुदा उन्हें पावर दे देता है माई रिक्वेस्ट इज आओ हम अपने एटीट्यूड को ऑल्टर करें हमारा एटीट्यूड क्या है एक दूसरे के साथ घर में क्या है कंपनी में क्या है रिश्तेदारों में क्या है एक दूसरे के साथ क्या है खुदा के साथ क्या है चर्च के साथ क्या है कई दफ़ा हमारा एटीट्यूड होता है आए ना आए कोई कोई पता नहीं जब मर्जी आ, हमने आ, जो है वो जिस तरह से भी अपनी कमिटमेंट बनानी है, खुद से बना ली एटीट्यूड ऑफ फेथफुलनेस क्रिएट क्योंकि ये खुदा का करैक्टर है जिसमें खुदा का मिजाज जा आ जा जाता है खाक सारी का वो खुदा की मानद बन जाता है क्योंकि बाइबल ये चाहती है हम मसीह की हमारे अंदर उसका मिजाज आए पॉल कहता है मैं नहीं पा चुका इतनी उसने बातें अपने लिखी फिर भी कहता है कि मैं कुछ भी नहीं हूं मैं पा भी नहीं चुका और मसीह के एटीट्यूड में क्या था फर्स्ट पीटर चैप्टर टू वर्स ट्वेंटी वन में बाइबल में लिखा है मसीह भी तुम्हारे वास्ते दुख उठाकर तुम्हें एक नमूना दे गया ताकि उसके नक्शे कदम पर चलो उसने गुनाह किया और ना उसके मुंह से कोई मकर की बात निकली ना वो गालियां खा कर गाली देता ना दुख पाकर धमकाता बल्कि अपने आप को सच्चे इंसाफ करने वाले के स्पुर अगर लोग आपको प्रोसिक्यूट करें तो आप उनके लिए दुआ करें कहें खुदावन इन्हें बरकत दे और तू जानता है ये मेरे साथ क्या कर रहे हैं एंड गॉड इज़ गोइंग टू स्टैंड विद यू हामेन मुझे नहीं पता आपके रवैये कैसे हैं घरों में मुझे नहीं पता काम पे आप कैसे हैं चर्च में तो सारे ही अच्छे होते हैं गीत भी गाते हैं बट आई डोंट नो कामों पे कैसे होते हैं काम चोरी का रवैया तो नहीं है यह भी रवैया बुरा है आई डोंट नो वॉट योर एटीट्यूड टवर्ड्स अदर्स आपका अगर आप मसीही हैं तो आपका रवैया यकसा होगा चर्च में भी और बाहर भी क्योंकि खुदा आपके अंदर रहता है आई मीन लेट्स